नंबर एक, मेजर योर टाइम। हर एक चीज को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसको मेजर करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है, तो आप कैसे ही उस वक्त को अच्छे से संभालेंगे। 13 साल की उम्र में मैंने IIT के बारे में सोचना शुरू किया था, एंड बहुत शुरुआत से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो मैंने बोला चलो मैं भी शुरू कर लेता हूँ। उस समय में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता था, जो कि 9th-10th में आपको कुछ कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाता था। तो मैंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का सब्सक्रिप्शन लिया, सबसे सस्ता वही था, वही औकात थी, वही हैसियत थी, तो वो शुरू किया। एंड स्कूल, ट्यूशन, खेलना, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल या IIT की तैयारी, मेरा दिमाग खराब हो गया, संभाल ही नहीं रहा वक्त, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मैंने एक पॉइंट ऐसा आया जहां मैंने बोला भाड़ में जाए ये सब, पहले मुझे जानना है मेरा वक्त जाता कहाँ है। सो अगले 10 दिन मैंने हर एक घंटे का हिसाब रखना शुरू किया कि सुबह उठ के पहला घंटा, फिर उसके बाद पहला घंटा, फिर उसके बाद दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, क्या 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 किया, एंड वट एवर इट वॉज, स्कूल गया, खाना खाया, नहाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड एट द एंड ऑफ द डे I looked at everything and asked this question कि इन सारी चीजों में से जरूरी चीजें क्या थी। तो सिंपल सवाल था, और उन जरूरी चीजों का एक रेशियो निकाला कि जो पूरे घंटे मैंने दिन में बिताए उसमें से जरूरी चीजों के लिए मैंने कितने घंटे बिताए। This gave me what I called the effectiveness ratio, क्योंकि geek nerd तो मैं था ही, तो लंबे लंबे नाम। लेकिन what I realized was fascinating, मुझे पहली बार मेरे सामने एक आईना दिखा कि मेरा वक्त जाता कहाँ है, क्यों जाता है, और उसकी वजह से मुझे कैसा महसूस होता है। एंड दिस वॉज अ गेम चेंजर, आई किड यू नॉट, 13 साल की जो ये आदत मैंने शुरू करी, ये मैंने 26 साल की उम्र तक जारी रखी। 13 साल मैंने अपनी जिंदगी के हर एक घंटा रिकॉर्ड किया है। And that is why, आज अगर मैं अपने कैलेंडर को देखता हूं तो मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मेरा दिन कैसे जाने वाला है, because I have got that training for 13 years. दिखाता हूं, तो ये पहले तो मैं नोटबुक पे लिखता था, अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, एंड ये हमारे इतनी दुख भरी कहानी, रोना ना आ जाए, तो हुआ क्या कि पहले मैं नोटबुक पे ये सब कुछ लिखता था, क्योंकि कुछ और तो था नहीं, देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। और वो नोटबुक, सालों की नोटबुक्स, मैंने एक डब्बे में अलमारी में रख दी। वो अलमारी लकड़ी की थी, दीवार में जड़ी हुई लकड़ी। एंड एक दिन बहुत सालों बाद जब मैंने उस अलमारी को खोला तो मुझे दिखा कि उसमें कुछ नहीं बचा था, दीमक वो पूरी अलमारी खा चुकी, इंक्लूडिंग मेरी वो नोटबुक्स, मेरी जिंदगी, तो मेरी जिंदगी के वो सारे रिकॉर्ड मिट गए। लेकिन थैंकफुली कुछ लास्ट 2-3 साल मैं एक्सेल शीट पे मूव हो गया था, एक्सेल। तो ये है ISB, ये आप देख भी सकते हैं, डेज एट ISB, एक्सेल शीट का नाम ही यही था। तो फॉर एग्जांपल 6 सितंबर 2005 को मैं 1:15 बजे क्या कर रहा था, लेट्स सी, लंच कर रहा था। फिर उसके बाद NS, मतलब नथिंग स्पेसिफिक, तो ये था वेल टपाइयां, राइट, कुछ नहीं। फिर मेरी क्लास थी, फिर से नथिंग स्पेसिफिक, आधा घंटा, फिर क्लास, फिर ये, फिर जिम, फिर नहाया, फिर डिनर किया, फिर कोई मीटिंग थी, ELP एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता था, ये हमारा इंटर्नशिप इक्विवेलेंट होता था। फिर किताबें अरेंज करी 1.5 घंटा, मुझे नहीं पता क्यों। फिर निशांत की डंकिंग थी, तो ISB में जब भी किसी का बर्थडे होता था हम उनको स्विंग करके पूल में डंक करते थे, तो ये निशांत जो मेरा एक बैचमेट था उसकी थी। और फिर उसके बाद 1 घंटा मैंने मेल्स चेक करी। बट यू विल सी नथिंग स्पेसिफिक को मैंने अलग से मार्क किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं इफेक्टिव टाइम रेशियो निकालता था, विच वाज 88%, मतलब दिन के जगे हुए घंटों में से 88% मैंने उन चीजों पर खर्च किया है जो मुझे लगता है उस दिन के लिए जरूरी था, वेदर इट वॉज हैविंग फूड, क्योंकि वो भी जरूरी है, और रीडिंग, और इवन अरेंजिंग बुक्स, क्योंकि क्लियरली जरूरी था। Let's look at the next day, Wednesday, September 7th. पढ़ाइयों से शुरू किया, फिर डेली चोर्स, DC, तो भाई अपना सुसु पॉटी वो सब, क्लास, लंच, फिर कोई रिसर्च पेपर, ओ ये रिसर्च पेपर बड़ा सही था, ये उमंग और सुषमा, दो मेरे दो बैचमेट्स थे, उसके साथ हमने एक रिसर्च पेपर किया था,
आई स्टिल रिमेंबर द रिसर्च पेपर वाज कॉल्ड द शेप ऑफ ब्रांड्स और हमने ये कंक्लूड किया था कि जो बहुत लव्ड ब्रांड्स होते हैं ना जैसे फेविकॉल मैगी उनका एक सर्टन शेप होता है व्हेन यू प्लॉट देम ऑन अ मार्केटिंग कर्व पता नहीं क्या था बट द बेस्ट थिंग वॉज ये हमने बॉम्बे में जाके प्रेजेंट किया था एंड वी वन द फर्स्ट प्राइज फॉर दैट एनीवे तो ये सारा देखेंगे एंड 94% तो ऐसे ही हर महीना एंड हर दिन का ये चिट्ठा पत्ता एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड द जर्नी लेकिन इसके बाद आता है नंबर दो कि आज की डेट में अगर आप यही वक्त मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे एंड हियर इज द अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आइजनहावर के नाम से ये मैट्रिक्स जाना जाता है विच इज कॉल्ड द अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कि हर एक काम आपकी जिंदगी में या तो अर्जेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं अर्जेंट का मतलब अभी अभी करना या बाद में भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी है या जरूरी नहीं है लेट्स गिव एन एग्जांपल इंस्टाग्राम रील्स देखना क्या अर्जेंट है बिल्कुल भी नहीं क्या इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं तो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट मम्मी का फोन आ गया कि पापा को स्टेशन से उठा के लाना क्या अर्जेंट है हाँ इंपॉर्टेंट है हाँ तो करना है आपको रोज सुबह जिम जाना क्या अर्जेंट है नहीं आज नहीं जाएंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ेगा इंपॉर्टेंट है 100% इंपॉर्टेंट है लेट्स पिक अप समथिंग विच इज अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट बॉस का फोन आ गया कि यार वो मेल भेज दो आपको बताया कि वो मेल जो है वो एक महीने बाद ही पड़ी जाएगी लेकिन वो ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भैया तलब मच गई अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल सो इफ यू वॉन्ट टू नाउ रिकॉर्ड दिस हियर इज अ फॉर्मैट तो फॉर एग्जाम्पल 4 बजे टास्क 1 व्हाटएवर इट कुड बी स्लीप एंड इट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट जैसे ही आप करेंगे आपका ये मैट्रिक्स बनता रहेगा लेट्स से बहुत सारे और टास्क आ गए एंड यहाँ रैंडमली डालना शुरू कर देते नो यस 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 नो 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 यस नो तो जैसे जैसे डालेंगे ये मूव होता रहेगा एंड दिस इज बेसिकली कि आप ना सिर्फ अपना वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपका वक्त अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में कहाँ बैठता है Why is this necessary? It's necessary because this will tell you कि कौन सा mix आपके लिए सबसे productive दिन बनाता है. For example, let's say this is the mix जो एक दिन आपको मिलता है कि आपने सारे घंटे और सारे task note down कर लिए and आपको ये दिखता है कि यार मैंने 40% अपना time उन चीजों पे खर्च किया जो कि जरूरी थे और urgent भी थे and Only 20% was spent on things which were important but not urgent. And you're like, you know what? इस दिन में ज़्यादा मज़ा नहीं आया. Well, I got things done, लेकिन at the end of it ना वो एक feeling होती है of winning, वो missing थी. Let's change this. And let's say आपका दिन by chance ऐसा हो गया. And you're like, you know what? आज मज़ा आया. मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से I feel like I have won the day. And you will look at it and you will realize, अरे यार, ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि 80% मैंने अपना time उन चीजों पर खर्च किया जो कि important थे लेकिन urgent नहीं Reading, eating right, going to the gym, spending time with parents, spending time with yourself, learning something new, none of which was urgent. आज नहीं करना है. But important because I know it helps me in the future. नंबर 3 टाइम ब्लॉकिंग इट्स अ मास्टरफुल स्ट्रोक जो मैंने बहुत लेट लेकिन थैंकफुली सीखा टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम में जाता है दूसरे से तीसरे में जाता है तीसरे से चौथे में जाता है सबसे बड़ा लॉस होता है लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फर्ज करिए कि आप पढ़ रहे हैं कुछ तो आपने 1 घंटा फिजिक्स पढ़ा फिर 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा फिर 1 घंटा मैथ्स पढ़ा फिर 1 घंटा कुछ और पढ़ा हर 1 घंटा जब आप अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता है या आप काम पे हैं आपने 1 घंटा मेल चेक करी फिर 1 घंटा मीटिंग पे काम कर लिया फिर 1 घंटा किसी प्रेजेंटेशन में फिर 1 घंटा कोई मीटिंग फिर 1 घंटा लंच फिर 1 घंटा कोई और मीटिंग किसी और डिसिप्लिन या फंक्शन की यू आर लूजिंग कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ट्राई एंड ब्लॉक टाइम फॉर अ इलॉन्गेटेड पीरियड तो आधे आधे घंटे 1-1 घंटे में काम खत्म करने के बजाय आप 2-3 घंटे इस पूरे फेज को दीजिए एंड यू कैन यूज द पोमोडोरो टेक्निक टू मेक इट इफेक्टिव पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप आधे घंटे के स्लॉट में 25 मिनट काम करेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक एंड डू 4 पोमोडोरोस जिसके बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं
तो इफ यू डू दैट यू विल ब्लॉक योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कैलेंडर देखिए, ये 18 सितंबर के वीक वाला कैलेंडर है, ये मंडे का पूरा दिन ब्लॉक्ड है, इट्स द शूट. तो इस पूरे दिन मैं शूट करता हूं, मैं पूरे दिन तो शूट नहीं कर रहा होता हूं, लेकिन ये पूरा दिन ब्लॉक्ड है. इसमें इन दोनों मीटिंग्स के अलावा, विच इज मेरी एक बाई वीकली या एवरी फोर्टनाइट एक मीटिंग होती है, एंड देन देयर इज द वीकली कैचअप विद द एंटायर टीम, इसके अलावा और कुछ नहीं घुसेगा, कभी भी नहीं घुसेगा. एंड देन यू हैव ब्लॉक्स, जैसे 21 तारीख को मैं बैंगलोर में होऊंगा फॉर द टेक्स पार्क्स इवेंट, पूरा का पूरा ब्लॉक्ड, मैंने और कुछ नहीं डाला हुआ है. ऑल ऑफ दीज इवेंट्स जब मैं उस हफ्ते में पहुंचूंगा ये हटा दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी इवेंट मैं नहीं करूंगा. फ्राइडे को ब्लॉक्ड फॉर द डेट लंच दैट आई हैव विद रुचि, वेंसडे को ब्लॉक्ड फॉर राइटिंग द न्यूज़लेटर, एंड इसमें भी एक घंटा है. मैं न्यूज़लेटर वैसे 20-25 मिनट या 30 मिनट में लिख देता हूं, लेकिन एक घंटा पूरा, बिकॉज आई वॉन्ट माई माइंड टू वॉन्डर एंड बी इफेक्टिव इन दैट. फिर वेंसडे को ही शाम को इंस्टाग्राम के AMA या आस्क मी एनीथिंग हो तो जाते हैं 15-20 मिनट में, लेकिन एक घंटा क्यों, बिकॉज आई वॉन्ट माई माइंड टू वॉन्डर एंड मेक श्योर कि वो टाइम ब्लॉक्ड हो इस चीज के लिए. सो यू हैव टू कीप ब्लॉकिंग योर टाइम, एंड यू सी ऑल दिस वाइट स्पेस, दिस इज एक्चुअली ब्लॉकिंग, दिस इज द वे दैट आई ऑपरेट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एक टूल है टू मैनेज माई कैलेंडर, इट्स कॉल्ड Calendly, ये प्रमोशन नहीं है, दैट ओनली दीज स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर अदर्स. तो मंडे को जैसे कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वीकली शूट होता है, ट्यूजडे को सिर्फ 10 से 12:30, 4 से 6, वेडनेसडे को सिर्फ 4 से 6, थर्सडे को 10 से 12:30, 4 से 6, फ्राइडे को 10:30 से 12:30 एंड 4 से 6, सैटरडे को नहीं, संडे को नहीं. एवरी अदर टाइम इज माई टाइम विच इज ब्लॉक्ड टाइम. ये टाइम है मेरे सोचने के लिए, ये टाइम है कुछ डिसाइड करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, किसी से बात करने के लिए, एंड दैट इज टाइम दैट आई यूज फॉर ब्लॉकिंग एंड दस हेल्प्स मी मैनेज माई टाइम बेटर. नंबर 4, द 2 मिनट रूल, ब्रिलियंट रूल है. लाइफ में ना चीजें ऐड नहीं करनी है टू डू लिस्ट में, निकालनी है. तो कोई भी काम अगर 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है ना, उसको प्लीज टू डू लिस्ट में मत डालिए, उसको उसी समय खत्म करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ट्रेंड है उन चीजों को याद रखने के लिए जो कि आपने फिनिश नहीं करी है. एंड जितना आप अपने टू डू लिस्ट में डालते रहेंगे, आपका दिमाग उतना ही ओवरवेलम रहेगा कि यार ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है, एंड इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट मोर देन इट शुड बी. नंबर 5, मॉर्निंग रूटीन. इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका संक्षिप्त वर्जन आप अभी देख सकते हैं. बेसिकली मेरे मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 4:50 पे होती है. मैं पहले एक ग्लास पानी पीता हूँ 10-15 मिनट, फिर मेडिटेट करता हूँ आधा घंटा, फिर पढ़ता हूँ आधा घंटा, फिर बच्चों को तैयार करता हूँ, अपना डू एपिक शिट करता हूँ, एंड देन 6:30 मैं टेनिस खेलने जाता हूँ. 7:30 तक टेनिस खेलता हूँ, फिर 7:30 जिम जाता हूँ, 8:30 तक वो करता हूँ, फिर 8:30 बजे आकर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 9 बजे तैयार होता हूँ, एंड 9:30 बजे तक अपने टेबल पे बैठ जाता हूँ. विच मीन्स जब मैं काम करने बैठता हूँ, By that time, I have had between 4.5 to 5 hours to myself to do the things that I want to do. इससे क्या होता है? नंबर 1, आप खुद के लिए वक्त निकाल पाते हैं. नंबर 2, आप वो चीजें करते हैं जो जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, बिकॉज यू डूइंग इट एट योर ओन पेस. नंबर 3, आप इतना सारा अपने साथ अपनी चीजों के लिए वक्त बिताते हैं कि उसके आने वाला जो दिन है उसमें कुछ भी ऐसा हो जाए जो सही नहीं है, आप हिलते नहीं है, वहीं चढ़े रहते हैं, बिकॉज द मॉर्निंग रूटीन हैज सेंटर्ड यू. अब इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा है. बहुत लोगों को लगता है कि मॉर्निंग रूटीन तभी होता है जब आप दिन जल्दी शुरू करते हैं. गलत. मॉर्निंग रूटीन का मतलब एक रूटीन, चाहे आप कभी भी शुरू करें. यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठे, 4 बजे उठे. यह जरूरी है कि आप रोज सुबह उसी समय उठे जिस समय आप उठना चाहते हैं, एंड दैट हैज टू बी अ सेट टाइम. एंड जैसे आप उठे, आप जिंदगी जीने में ना घुस जाए. टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, डू थिंग्स दैट हेल्प यू, डू थिंग्स दैट सेंटर यू, डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ. नंबर 6, सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन. ये मेरा इनसेन टाइम मैनेजमेंट हैक है. आई टेल यू व्हाट दैट मींस. अगर लोग आपको बोलते हैं, यार अंकुर ये कर देना, हाउ डू यू रिमेंबर कि आपको ये करना है? आपका सोर्स ऑफ एक्शन क्या था इस समय? किसी ने कुछ बोल दिया. देन हाउ डू यू रिमेंबर दैट इट नीड्स टू बी डन?
आप याद करने की कोशिश करेंगे या कहीं नोटबुक पे लिख देंगे या कहीं फोन पे टाइप कर लेंगे। तो क्या किया आपने, आपने एक और सोर्स ऑफ एक्शन बना लिया कि आपको ये एक्शन करना है, लेकिन कैसे याद रहेगा, मैंने कहीं लिख दिया है या दिमाग में डाल दिया है या फोन पे डाल दिया। फिर लेट्स से किसी ने ईमेल भेज दिया, यार ये प्रेजेंटेशन कल सुबह तक मुझे मिल जानी चाहिए। अब इसका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ईमेल। इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ईमेल तो आपने पढ़ ली तो याद रहेगा कि उस पर काम करना है, क्योंकि अभी तो आप कुछ और काम कर रहे हैं। दिस कंफ्यूजेस पीपल एंड वो इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों, गो बैक टू द सेम प्रिंसिपल, हमारा दिमाग वो चीजें याद रखता है जो हमने खत्म नहीं करी है। दैट्स व्हाई यू नीड अ सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो कुछ भी आपने हासिल करना है वो सिर्फ एक ही जगह से आना चाहिए। नाउ व्हाटएवर दैट इज, इट कुड बी अ टू डू लिस्ट जो आप फिजिकली मेंटेन करते हैं, इट कुड बी अ टू डू लिस्ट जो आपके फोन पे है, इट कुड बी अ टू डू लिस्ट ऑन योर कंप्यूटर ऑन एन ऐप, इट कुड बी योर कैलेंडर, इट कुड बी इन माई केस एन ईमेल। मेरे लिए मेरा ईमेल इज माई टू डू लिस्ट। अगर आपने मेरे साथ काम किया या कभी भी मुझे ईमेल लिखी है, मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि मैं सिर्फ ईमेल पे बात करना पसंद करता हूँ, एंड अगर कोई भी मुझे काम करवाना हो मुझे ईमेल भेज दो, क्योंकि अगर आपने मुझे ईमेल भेज दिया है तो वो काम होके रहेगा। क्योंकि अगर ईमेल पे मैंने किसी को हाँ बोल दिया तो मैं खुद के लिए सुनता हूँ, एंड दैट is my source of action. My source of action is my email. My to-do list is my email. Now here's how it works. जब कभी भी मेरे पास एक email आती है, मेरे पास चार action के mode होते हैं. Number one, do. Do का मतलब ये जरूरी है and ये करना है and अभी करना है. करो. Number two, defer. Defer का मतलब जरूरी है लेकिन बाद में भी हो सकता है. तो बाद के लिए schedule करो. I'll give you a good example. I'll show you how it's done. तो जैसे ये एक email है, ये मैंने अभी लिखी थी, तो दीपिंदर गोयल जो कि जोमैटो के फाउंडर हैं, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, आप उसको देख ही चुके हैं पिछले हफ्ते। तो मैंने अपनी टीम को, पीयूष और आदित्य जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं, बोला कि यार आप लॉन्ग फॉर्मेट तो बना ही रहे हैं लेकिन इसमें से शायद शॉर्ट्स भी निकल सकते हैं, याद रखिएगा। अब मैं इस एक्शन को अपने दिमाग में कैसे याद रखूं, हियर्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन से बूमरैंग, दिस इज बाय द वे टूल, इट्स पेड सो यू डोंट हैव टू कंसीडर इट बट यू नो, बूमरैंग इट इन 4 days, मतलब 4 दिन बाद ये ईमेल वापस मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी, एंड दैट विल देन टेल मी कि ये काम 4 दिन बाद मुझे अपने दिमाग में फिर से इमर्ज करवाना है। तो मैंने डेफर करके अपने एक्शन को मेंटेन रखा, विच इज हाउ डेफर वर्क्स। नंबर 3, डेलीगेट। डेलीगेट मतलब ये मुझे नहीं करना है, किसी और को करना है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है लेकिन अब मैं किसी और को ये इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा, एंड दैट्स समथिंग दैट आई ऑफन डू। एंड नंबर 4, डिलीट। डिलीट का मतलब जरूरी नहीं है कि डिलीट करो, मतलब इग्नोर इट एंड यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट, व्हिच हैपेंस टू 99% ऑफ माय ईमेल्स, क्योंकि मैं बहुत ही कम ईमेल्स में जवाब देता हूँ, पढ़ता सारी ईमेल्स हूँ लेकिन जवाब बहुत कम देता हूँ, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट ईमेल। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन इन योर लाइफ, जो हर एक चीज आपको करनी है उसका सोर्स क्या होगा। नंबर 7, मेक रिपीटेबल प्रोसेसेस। दिस इज अ गेम चेंजर। आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में हमने उनको रिपीट बनाया नहीं है। हमारा दिमाग बोलता है कि यार आज नया दिन है तो ये सारी चीजें हम फिर से करेंगे, फिर कल नया दिन होगा फिर सारी चीजें फिर से करेंगे। तो यू miss the power of repetition. You have to make things repeatable. Here's an example. Hamara pura ka pura content system and courses bhi ek project management software pe, which is called Asana. And Asana pe aap dekh sakte hain ye sare mere tasks hain. Ye sare tasks repeatable tasks. Matlab har Monday ko 7 baje se pehle mujhe Twitter ke details bharne hote hain ki uski last week ki performance kaisi thi. फिर मुझे मंडे को 11:30 बजे से पहले रील शूट करनी होती है, हर एक मंडे को 11:30 बजे से पहले यूट्यूब शॉर्ट शूट करने होते हैं, हर एक मंडे को 11:30 बजे से पहले यूट्यूब के 3 वीडियो शूट करने होते हैं, हर एक मंडे को 11:30 बजे से पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना होता है, एंड उसी मंडे को मुझे अपनी टीम मेंबर के साथ एक बिजनेस पर्सन का नाम शेयर करना होता है जिसके ऊपर हम लिंक्डइन पे एक केस स्टडी बनाएंगे। कल आई हैव टू शेयर द रेटिंग्स ऑफ द टीम विद माय टीम मेंबर गीतांजलि, लेकिन ये वीकली नहीं है, सो इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस आई विल सी दैट दिस इज एक्चुअली अ मंथली रिपीट। तो हर महीने की 5 तारीख को
ये रिपीट होगा, अगेन रेपिटेटिव, एंड मेरा कैलेंडर भी यही चीज दिखाएगा. यू विल सी ऑल ऑफ दीज टास्क आर रिपीटेबल टास्क. क्योंकि अगर मैं किसी भी बहुत बाहर वाले, लेट्स से आई एम इन April 24, एंड April 24 में भी देखेंगे आप ये सारे रिपीटेबल टास्क. इनफैक्ट कुछ कुछ डलते हैं, जैसे आई डिडंट इवन रिमेंबर दिस, 14 अप्रैल नेक्स्ट ईयर को IIITD विच इज IIIT दिल्ली में टेडएक्स इवेंट हो रहा है, एंड मुझे वहां से नहीं होता है. बाकी सारे जो हैं दीज आर रिपीटेबल, दे आर गोइंग टू हैपन एवरी सिंगल वीक एंड मे बी एवरी सिंगल मंथ. जैसे पे एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट, एक्सिस बैंक को जो क्रेडिट कार्ड है उसका मंथली भुगतान करना है, एंड दिस इज अ मंथली रेकरेंस, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. तो ऑल ऑफ दीज आर रिपीटेबल टास्क, एंड वॉट दे डू इज दे मेक योर माइंड यूज टू अ सर्टन रेपिटेशन, दस लोअरिंग द कॉग्निटिव लोड ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टास्क. नंबर 8, विन द वीक नॉट द डे. ये एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, एक ही दिन के अंदर हर एक चीज करनी है. आपको जिम भी जाना है, पढ़ना भी है, मेडिटेट भी करना है, बच्चों के साथ वक्त भी बिताना है, दोस्तों के साथ भी पार्टी करनी है, काम भी करना है, टीवी भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और सारा एक ही दिन के अंदर होना चाहिए. नहीं हो सकता दोस्त. जो भी आपको हफ्ते के अंदर हासिल करना है ना, उसकी एक लिस्ट बनाइए, एंड फिर उस हफ्ते को जीतने की कोशिश करिए. हर दिन को जीतने की कोशिश मत करिए, बिकॉज इट मे नॉट बी पॉसिबल. आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों में कुछ दिनों पे कुछ ही हो पाता है, कुछ दिनों में कुछ और भी हो सकता है. सो यू हैव टू देन बैलेंस थिंग्स आउट. अगर एक हफ्ते में आप वो सारी चीजें हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं, यू विल स्टिल बी गुड एंड यू विल बी प्रोडक्टिव, बट डोंट ट्राई एंड विन द डे, विन द वीक. नंबर 9, डिस्ट्रैक्शन टाइम सेटअप करिए. हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता रहता है. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट होना गलत है. तो क्योंकि वो चीज गलत है, उसका दिमाग भी जाता है. अगर आप इसको सही बना देंगे तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं. दैट्स द ट्रिक. तो आप अपने दिमाग को बोलेंगे कि दोस्त, कैलेंडर पे हमने डिस्ट्रैक्शन टाइम शेड्यूल किया हुआ है कि रोज, फर्ज करिए 12 से 12:30 हम इंस्टाग्राम रील देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, कुछ भी करेंगे, वेल टपाइए, ये आधा घंटा हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, हम कुछ भी करना चाहे कर सकते. योर माइंड विल देन नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि उसे पता है कि जिस चीज को वो हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो चीज उसको नहीं करनी चाहिए थी, अब वो चीज उसे मिल चुकी है. एंड वंस वी गेट समथिंग दैट वी थॉट वॉज फॉरबिडन, वी डू नॉट क्रेव फॉर इट एज मच. इसीलिए डिस्ट्रैक्शन टाइम अपने दिन शेड्यूल. एंड फाइनली नंबर 10, इट्स अ ग्रेट टेक्निक जो अली अब्दाल ने अपने एक वीडियो में डाली थी, कॉल्ड द ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक. जूम आउट कर, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे वो दिन में XYZ टास्क करना हो, हफ्ते में ABC टास्क करना हो, इन सब का कोई ना कोई परिणाम होता है, कहीं ना कहीं तो आप जाना चाहते हैं, कोई मकसद है. जूम आउट करके उस मकसद पे फोकस करें. एक साल में 52 वीक्स होते हैं. अगर आप उन 52 वीक्स को देखेंगे एंड हर एक हफ्ते आप क्या करना चाहते हैं उस पे फोकस करेंगे, यू विल सडनली फाइंड वीक्स बिकमिंग अ गोल, अ डेस्टिनेशन, अ टारगेट, अ विक्ट्री. आप इस ट्राइडेंट मेथड से एक बड़ा सा कैलेंडर लीजिए एंड उस कैलेंडर पे हफ्ते बने हुए हैं, महीने नहीं, दिन नहीं, एंड उस हफ्ते में आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो लिखिए, एंड क्लियरली विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि पहले हफ्ते से शुरू होके 50वें हफ्ते तक आते आते आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे एंड कितना अपने मकाम के पास पहुंच चुके होंगे. एंड दैट देन बिकम्स योर वे ऑफ जूमिंग आउट एंड मेकिंग योर सेल्फ प्रोडक्टिव. क्योंकि बाकी सारी चीजें ना फिर नॉइज बन जाती है, डिस्ट्रैक्शन बन जाती है. इतना क्लियर हो जाता है कि यार ये चीज करना ना मुझे आगे नहीं बढ़ाएगा एंड इस चीज से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो मुझे उस हफ्ते इस चीज पे फोकस करना है. चाहे मैं कुछ भी और कर रहा हूं, कुछ भी और बिजी हूं, ये चीज अगर नहीं हुई तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. एंड व्हेन यू हैव दैट क्लैरिटी, यू विल ऑल्सो हैव दैट विजन टू मेक थिंग्स हैपन, टू मूव इन अ वे दैट यू वॉन्ट.
ये थे 10 टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो मैं पर्सनली अपनी जिंदगी में यूज करता हूं, जिससे आप भी बेनिफिट कर सकते हैं. एंड आई होप यू स्टार्ट टुडे. दिस इज अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ. मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.